उसको पठान फिल्म ने आखिर वो कर दिखाया है जो किसी ने सोचा नहीं था। 7 दिन जब पठान के हुए थे और जब पठान का कलेक्शंस आने ही वाला था, 6 दिन का ही कलेक्शन उस वक्त हमारे सामने आया था 318 करोड़, तभी मैंने कह दिया था कि पठान फिल्म 500 करोड़ के ऊपर जाएगी। और मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा सकता हूं अभी। तो इस वीडियो में मैंने साफ कहा था कि पठान 500 करोड़ के ऊपर जाएगी, 525 करोड़ इसका लाइफ टाइम होगा और हिंदी वर्जन में ये फिल्म 500 करोड़ आराम से कमाई कर लेगी, जो इसने कर लिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसका कलेक्शन एग्जैक्टली क्या है। पठान फिल्म ने 22 दिन में 500 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जिसमें पहले 9 दिनों में इसका 351 करोड़ कलेक्शन था और उसके बाद जो कलेक्शन था 16 दिनों का यानी कि 2 हफ्तों का, वो 442.5 करोड़ हुआ। फिर थर्ड वीक के फ्राइडे को 5.75 करोड़ हुआ, थर्ड वीक के सैटरडे को 11 करोड़ हुआ और संडे को 12 करोड़ 60 लाख, टोटल 471.85 करोड़ कलेक्शंस हुआ हिंदी में। उसके बाद इसका मंडे को कलेक्शंस 4 करोड़ 10 लाख आया, 4.10 करोड़, और उसके बाद ट्यूजडे को कलेक्शंस इसका आया तकरीबन 5.40 करोड़, और कल इसका जो कलेक्शंस आया है, नॉर्मल डे था कल, बुधवार था, कल इसने 3.50 करोड़ का कलेक्शंस किया है प्रोड्यूसर्स के हिसाब से, और टोटल हो चुका है 484.85 करोड़, 484.85 करोड़, यानी कि 485 करोड़ आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए। और इसने 10 लाख साउथ में कमाई की है और साउथ का टोटल हो चुका है 17.60 करोड़, और अक्रॉस इंडिया का टोटल हो चुका है 502 करोड़ 45 लाख। दोस्तों 502 करोड़ 45 लाख हो चुका है कलेक्शंस। अब यहाँ पर मैं कह दूँ ये बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि मैं लखपति बन चुका हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं लखपति बन चुका हूँ। वो लखपति इसलिए क्योंकि मैंने जब 15 दिन पहले वीडियो डाला था कि पठान 500 करोड़ के ऊपर जाएगी, तब मेरे एक दोस्त ने कहा कि सूर्या, अगर पठान 500 करोड़ के ऊपर जाएगी तो मैं तुझे 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र करूँगा। तो वो भाई साहब का भी स्क्रीनशॉट मैं दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, और यानी कि मैं लखपति बन गया, अगर ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो 502 करोड़ 45 लाख हो चुका है, पठान 500 करोड़ के ऊपर जा चुकी है, कितनी बड़ी बात है। तो दोस्त मेरे, आपका प्रॉमिस याद है ना, आपका कमेंट मैं वो जो लाइफ टाइम कलेक्शंस के वीडियो ना उसे पिन किया हूँ, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़बान पर कायम हूँ, आपको अपनी ज़बान पर कायम रहना है। अब देखते हैं भाई साहब किस तरह से कमेंट करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं दिल से बस दुआ दे रहा हूँ कि आपकी बात भी सच हुई, हमारी बात भी सच हुई, पैसे कोई देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन हाँ, ये है कि 500 करोड़ के किंग बन चुके हैं शाहरुख खान, और पहला ऐसा बंदा है बॉलीवुड का जिसने 400 करोड़ नहीं सीधा 500 करोड़ क्लब में एंट्री दी है। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।